नागिन 3 के फैंस के लिए इस वीक महा ट्विस्ट आने वाला है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वीकेंड पर नागिन ने आने वाली ट्विस्ट में इस शो को टीआरपी नंबर 1 बनाकर रखा है। इस वीक दर्शकों को बेला और व्योम की कहानी में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं नागिन 3 में आने वाले ड्रामा की 5 खास बातें। पहली बात, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत बेला से बदला लेने के लिए उसके दुश्मन व्योम से हाथ मिला लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बेला को मारने की पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, बेला अपने दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि विक्रांत अब व्योम के साथ मिला हुआ है और बेला को दुश्मन व्योम का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, बेला विक्रांत और विश को नागलोक की रक्षा करने का सुझाव देती है। बेला को इस बात का विश्वास है कि विक्रांत नागलोक और नागमणि की रक्षा करेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन दूसरी बात को ध्यान में रखते हुए बेला इस बात से अनजान है कि विक्रांत उसको धोखा दे रहा है और बेला उसी को नागलोक की जिम्मेदारी दे देती है। चौथी बात, हालांकि बेला इस बात से बेखबर है कि विक्रांत उसके साथ धोखा करने की पहले से ही प्लानिंग कर चुका है, इस बार उसका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। वह बेला को खत्म कर देना चाहता है। पांचवी बात, अब बात करें पांचवी बात की, तो विक्रांत की खतरनाक नजर नागमणि पर है, जिसके लिए उसे कैसे भी करके बेला को मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। इस वजह से विक्रांत सीधा बेला के दुश्मन व्योम से हाथ मिला लेगा। तो अब इतनी सारी बातों से अनजान रहकर क्या विक्रांत और गिद्ध व्योम का शिकार हो जाएगी बेला? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बेला नागलोक को बचा पाएगी या नहीं? हमारे साथ शेयर करें आपके जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही टीवी सीरियल्स के ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्पीडी न्यूज़।